हेलो गाइस, आज हम बहुत ही एक अच्छी डिश बनाने वाले हैं जो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या लंच पैक करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डिश है। इस डिश का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैंने क्या सोचा है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी कमेंट करके मुझे बताएं कि इस डिश का नाम क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक डिश है। इस डिश को बनाने के लिए हमारे को चाहिए बॉईल किए हुए, मैश किए हुए पोटैटोस, थोड़ा सा चीज़, धनिया, ओट्स हैं जिसको मैंने थोड़ा सा भून कर पीस कर ले लिया है, राइस फ्लोर है, नमक, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा है, साथ में गार्लिक है, ऑर्गेनोज है, ये थोड़े से तिल हैं, वाइट सफ़ेद तिल जिसे बोलते हैं, सेसमन सीड्स, और ये है रेड चिली फ्लेक्स। तो ये सब इंग्रेडिएंट से हम लोग बनाने वाले हैं अपना आज का रेसिपी। सबसे पहले हम सब मिक्स करेंगे इसके अंदर, जैसे कि पोटैटोस के अंदर हम खूब सारा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ओट्स का पाउडर डालेंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक चिली फ्लेक्स और थोड़े से तिल, वाइट तिल, और इसके बाद हम लोग डालेंगे राइस फ्लोर। और अब हम इसका एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे। आई थिंक मैं आपको गार्लिक बताना भूल गई, वो भी साथ में ही रखा हुआ था, और ये है गार्लिक पोटैटो, तो मैंने इसमें गार्लिक भी डाल दिया है। अब मैं इसको एक अच्छा सा डो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। अभी स्टार्ट, हम हाथों को थोड़ा ग्रीस करते हैं, इसको लेते हैं, और हमें जो शेप के चाहिए हम उस शेप के बना सकते हैं। मेरे बेटे को चीज़ बहुत पसंद है, तो मैं इसे चीज़ शॉट्स बना रही हूँ। सो मैं इसमें एक चीज़ का थोड़ा चीज़ डाल दूँगी, और फिर इसको पूरे से कवर कर दूँगी। चीज़ का एक ध्यान रखना चाहिए हमें कि चीज़ बाहर ना निकले। अगर चीज़ बाहर निकलेगा तो फिर सारे ऑयल में निकल जाएगा वो। ये देखिए, अब हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं ची शॉट की तरह, देखिए अच्छा शेप आया। इसी तरीके से हम और बना लेंगे, देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। और अगर हम चाहें तो हम कुछ और शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बिना चीज़ के बनाने हैं तो ये देखिए लंबी लंबी स्टिक्स से स्टिक टाइप के बना लेते हैं हम। ये देखिए। सो गाइस देखिए, दो आलू से हमने इतने सारे बना लिए हैं शेप, जैसे कि मैंने आपको बताया आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें पोटैटोस के अंदर हमने स्टफिंग किया है चीज़ का, और ये बिना स्टफिंग के हैं, तो जो चीज़ खाता है वो चीज़ वाला खा लेगा, बिना चीज़ के खाता है वो खा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसको पैक करके फ्रीज़र में एक महीने तक भी रख सकते हैं, और ये कभी भी जब कोई आ गया हो, गेस्ट है, तो आप इमिडिएटली बनाकर उसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने गैस ऑन कर दिया है, तो फ्राई करेंगे हम थोड़ा सा अपने बेटे के लिए। तो कैसा बनता है एक बार फ्राई करके देखते हैं कि ये तेल कितना गर्म है। देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल बिखरा नहीं है और वो ऊपर आ गया है सारा। तेल थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा जब तक हम इसको निकालेंगे। तो हम हर एक तरीके के थोड़े थोड़े डालते हैं इसमें।
गाइस देखिए हमारी ये रेडी है स्नैक्स। आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको बना के खिला सकते हैं, वो बहुत ही खुश होंगे इस स्नैक्स को खाकर। देखिए अभी हमारा बेटा ही खाएगा, उसको बुलाते हैं हम। आप इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने पुदीने और धनिया की चटनी ली है, साथ में शेजवान है और टमाटर केचप है। रिद्धि बेटा आपके स्नैक्स रेडी हैं, आ जाओ। रिद्धि आपके फेवरेट स्नैक्स रेडी हैं। आप सब लोग भी ट्राई करो घर पे बनाने का ये रेसिपी को और सबको खिलाओ, मेहमान आए तो उनको और ज्यादा खुश करो। कैरी ऑन। तो गाइज आपको हमारा स्नैक्स कैसा लगा? अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पर एक बेल आती है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियोस आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। मैंने इसको नाम पोटैटो गार्लिक चीज पॉकेट्स दिया है। आप इसको क्या नाम देना पसंद करेंगे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए।